हेलो एवरीवन, सो इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फाइंड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. सो माय फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज साइन एक्स. ओके, तो द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर द डिफरेंशिएशन और द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू व्हाट इट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. ओके, अब हमें क्या करना है कि इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पर और सिंप्लीफाई करना है. तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, एफ एक्स में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में एक्स की जगह हम एक्स प्लस एच रख देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस एच विल बी इट इज साइन एक्स प्लस एच. आई विल यूज दीज टू इन दिस फॉर्मूला. देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच. नाउ अब इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो हमें एक फॉर्मूला की टाइप का दिखेगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी. तो हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है. दैट इज 2 cos c plus d by 2 angle and sin c minus d by 2. That is the formula for sin c minus sin d. So my c and d are x plus h. C is what? It is x plus h and d is x. I will apply this. Therefore, sin x plus h साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स विल बिकम साइन सी माइनस साइन डी. कैसे इसको अप्लाई करेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू. देयरफॉर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इट मीन्स एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू. राइट इट इन एंगल, क्लोज कर लीजिए. साइन सी माइनस डी बाई टू दैट इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू. ऑल राइट, सो अब ये सिंप्लीफाई और कर सकते हैं. तो टू कॉस एक्स एक्स टू एक्स, सो दिस इज टू एक्स प्लस एच बाई टू एंड दिस इज एक्स विल बी कैंसल्ड. देयरफॉर ओनली एच बाई टू विल बी रिमेनिंग. आई विल सिंपली यूज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स फ्रॉम हियर. ओके, सो माई एफ डैश एक्स, so my f dash x will become limit h tends to 0 sin x plus h minus sin h, that is 2 cos 2x plus h divided by 2 in angle sin h by 2. Use bracket ताकि आपसे गलती ना हो, divided by h. Okay, so now एफ डैश एक्स इज वॉट, इट इज इक्वल टू, अब हम क्या करें, लिमिट एच टेंस टू जीरो अप्लाई कर सकते हैं. तो टू एक कॉन्स्टेंट है तो टू को हम बाहर कर सकते हैं. लिमिट एच टेंस टू, ये कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इट इज साइन एच बाई टू एंड दिस इज एच. नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम h टेंस टू अगर जीरो पुट करेंगे, h टेंस टू जीरो, सो दिस विल बी टू, लिमिट h टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे देन दिस विल बी h विल बी जीरो, टू डिवाइडेड बाई टू, सो दिस विल गिव यू ओनली cos x. ऑल राइट, नाउ द रिमेनिंग वन विल बी लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h. अब हमने लिमिट में सीखा है दैट लिमिट x टेंस टू जीरो, हमने लिमिट में क्या सीखा है, एक फॉर्मूला सीखा है क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाई x इज वन. देयरफॉर आई विल अप्लाई दिस, सो दिस विल बिकम, यहां h बाई टू है सो आई विल डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू. देयरफॉर टू, सो दिस साइन h बाई टू, दिस साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h बाई टू will tend to 1, will tend to 1 as h tends to 0. Therefore,
here only 1 by 2 will be remaining, therefore 2 multiplied by cos x multiplied by 1 by 2, 1 by 2 from 2 will be cancelled, therefore it will give you only cos x. That is, we have learned that the differentiation of sin x is cos x. Okay, so बस हमने ये क्या किया, इसको first principle से calculate किया है, तो एक तरह से ये हमारा एक formula भी तैयार है, तो इसको हम as a formula भी याद रखेंगे, that d by dx of sin x is cos x, तो as a result हम उसको याद रखेंगे, और first principle से कैसे calculate करेंगे ये हमने सीख लिया, okay?